हमारे दोनों जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह जी सीधी, कहा देव कुमार सिंह जी जोरदार अभिनंदन करे देव कुमार सिंह जी का, और राम सुमिरन गुप्ता जी जोरदार अभिनंदन करे राम सुमिरन गुप्ता जी का भी। आप भाग्यशाली हो साहब, देवताओं के नाम जिलाध्यक्ष, इतना बढ़िया सिद्ध क्षेत्र, जोरदार तालियां बजा बजा। देव कुमार है कि राम सुमिरन, पूरा दुनिया आज भगवान राम को सुमिरन कर रही है। हम सब सौभाग्यशाली, कमलेश्वर सिंह जी हमारे लोकसभा के प्रभारी, माननीय भाई साहब बहुत वरिष्ठ नेता, आपका भी वंदन अभिनंदन। श्री विश्वामित्र पाठक जी जोरदार अभिनंदन करें पाठक जी का, और मेरे अभिन्न मित्र और हमारे अपने बहुत बढ़िया नेता कुंवर टेकाम सिंह जी, जोरदार तालियां बजा कुंवर टेकाम सिंह जी का। राम निवास साहजी विधायक सिंगरौली, जोरदार अभिनंदन साहजी के लिए। शरद कौल जोरदार अभिनंदन करो शरद जी का। इस अवसर पर श्रीमान कांत देव सिंह जी हमारे अपने मेरे अभिन्न मित्र हमारे प्रभारी थे उज्जैन के, प्रदेश के उपाध्यक्ष कांत देव सिंह जी, तालियां बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहता हूं। के तिवारी जी लोकसभा संयोजक, डॉक्टर संदीप मेहता जी, श्री राजेश पांडे जी, कहा राजेश जी जोरदार अभिनंदन राजेश जी का, जिला प्रभारी सीधी। माननीय प्रज्ञा त्रिपाठी जी जिला प्रभारी, प्रज्ञा जी का अभिनंदन है, और श्रीमती मंजू सिंह जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, पूरा मंच जोरदार तालियां बजा, पूरे मंच का नाम इतने सारे हैं, लेकिन ये सिद्धि में सिद्ध होने का जगह भी है और हमको हमारा मुहूर्त भी हो रहा है, हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। आज पूरे देश के अंदर 20 तारीख से नई लोकसभा के लिए नामांकन की नई पहली तारीख आज से प्रारंभ हुई है, और 20 से शायद 27 तारीख तक पहले चरण का फॉर्म भरा जाएगा, और ऐसे फॉर्म भरने में आप कभी कल्पना तो करो, चुनाव होता तो दो लोगों के बीच में होता, चार लोगों के बीच में होता, ऐसे सब लोग मानते हैं पूरे देश में मध्य प्रदेश में दो दलीय व्यवस्था है, और दो दलीय व्यवस्था में हमारी पार्टी के सामने कांग्रेस का कोई ना कोई प्रत्याशी आता, और कितना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है, हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है, और कांग्रेस का प्रत्याशी तो नहीं आया, लेकिन कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते हुए लालचंद जी गुप्ता हमारे बीच में आए, जोरदार तालियां बजाओ, ये कांग्रेस की हालत हो रही है। ऐसी कहावत है कि कूद के पांव पालने में दिखाई देते हैं, अभी से कांग्रेस की यह हालत है। 29 लोकसभा सीट है, लेकिन 29 लोकसभा सीट में अभी कांग्रेस से बड़े नेता कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, एक भी नामी गिरामी आदमी कांग्रेस का मैदान में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे भैया आओ, आप ही ने तो यहां आपके नेता ने पदयात्रा चालू करी, और लोग कह रहे वो पदयात्रा नहीं कांग्रेस छोड़ो यात्रा थी, जहां जहां घूमे वहां वहां कांग्रेस छोड़ते चले गए लोग, जिस रास्ते से गए नेता आगे आगे भाई साहब पीछे पीछे फुल स्टॉप, पता ही नहीं चल रहा कहां गए किधर से गए, इसलिए उनका छोटे से छोटा रास्ता रखा गया। लेकिन हमारा अपना राज्य शुरू से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से जनसंघ के जमाने का सबसे खाटी राज्य का कोई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के। नेता में नेता, नेता कैसा होना चाहिए दुनिया ने देखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गौरवान्वित करने के लिए एक ऐसे असामान्य व्यक्तित्व जिनने बहुत सामान्य जिंदगी से शुरुआत, अपने जीवन का क्षण क्षण और कण कण देश सेवा के लिए अर्पित करने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके जीवन में पांच पांच प्रधानमंत्री वो अपोजिशन के लीडर रहे, कांग्रेस के पांच पांच प्रधानमंत्रियों का उन्हें समय काल अपने सामने निकाला, लेकिन लेस मात्र भी घबराए नहीं, लेस मात्र भी चिंता नहीं की, जो अपने सिद्धांतों के साथ अटिक चट्टान की तरह आ रही
ऐसे नेता की पार्टी है, हमें इस बात की प्रशंसा करना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारा काल के प्रभाव में अतीत में नेतृत्व किया, जोरदार अभिनंदन अटल जी का। और क्या अटल जी और क्या वर्तमान का समय इस सिद्धपुर में आकर तो वाकई मन हमारा आप सबको नमन करने की इच्छा होती। जब से भाजपा का विजय रथ चालू करा लोकसभा की तरफ, तो सीधी से शुरुआत होती है, पूरे मध्य प्रदेश में विजय ही विजय होती है। ये शुरुआत करने वाली धरती हमारी सीधी है। वनांचल में रहने वाले, नगर में रहने वाले, गांव में रहने वाले, हर तरह हर जगह हर क्षेत्र में, दोपहर में भी इतनी बड़ी संख्या में। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी के अंदर ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जिसने जीवन में कुछ मांगा ही नहीं और पार्टी ढूंढ ढूंढ करके मौका देती, जोरदार अभिनंदन करें राजेश मिश्रा जी का। कितने अच्छे उद्गार व्यक्त किए। इनके पहले रीति पाठक भी हमारे बीच में आए, दीदी आपके कारण से हम रीति रिवाज को मानने वाली पार्टी मानते हैं, आपके नाम पे पूरी पार्टी चलती है, आपका वंदन अभिनंदन। किसी भी गति में रीति जुड़ती है, रीति और प्रगति ये दो व्यवस्था जुड़ती है। रीति रिवाज हमारी परंपराओं को पालन करने के लिए पार्टी को जाना जाता है, और प्रगतिशील हमारी पार्टी है जो अपने बीच विकास के रास्ते के साथ साथ समाज सुधार के अलावा दुनिया में भी हमारी मानवता को स्थापित करने के लिए युगों युगों से जिन सिद्धांतों के कारण से ये देश जाना जाता था, उसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया अगर भारत को जानती है तो भारत के दर्शन के कारण जानती है, भारत की मानवता के आधारित नीतियों के कारण जानती है। इसलिए हमारी अच्छाई और सच्चाई के आधार पर दुनिया में हजारों साल से भारत को विश्व गुरु के माने नाम से लोग जानते थे। काल के प्रभाव में कई लोगों ने हम पे आक्रमण किए, कई लोग लूटने आए, कई लोगों ने पता नहीं क्या क्या हमारे साथ व्यवहार किया, लेकिन दुनिया में दुनिया जानती है भारत ने अपनी लाइन नहीं बदली, भारत के लोग नहीं बदले। इसलिए इकबाल ने कोई लाइन लिखी है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो जो कुछ बात है अपने इस देश की अच्छाई की वो कदम कदम पे दिखाई देती है। हजारों साल से भारत की जो पहचान बनी आई, अरे हम तो उस देश के वासी है जहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारे ऐसे तमाम ऋषि मुनियों ने अपने जीवन से मानवता को स्थापित करके बताया। इसीलिए एक शब्द माना जाता है कि वसुदेव कुटुंबकम, जिसको वेदों की भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, हमारी अपनी जो जिंदगी है ये मानवता दुनिया का भला करने के लिए, हमारी जो अच्छाई हम सबको बांट करके खुश रहने वाली संतानों में से उस ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिन्होंने दुनिया का सदैव भला किया। लेकिन एक तरफ भला करने वाले लोग और एक तरफ लूटने वाले लोग, एक तरफ अच्छाई बांटने वाले लोग, एक तरफ सच्चाई छिपाने वाले लोग, ये चुनाव उनके बीच का है। एक तरफ वो सारे लोग जो भारत की अच्छाइयों को नकारते हैं, जो हमारी संस्कृति को नकारते हैं, जो भाई से भाई को लड़ना जानते हैं, जिनके लिए कुर्सी ही सब कुछ है, दुनिया भर के लूटने वालों से पेट नहीं भरा, ये उनके बाद वाले भी लूटने में लगे हैं, ये उस बात का चुनाव है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनकी अपने जीवन में खुद की पूंजी केवल एक ही पूंजी है, जर्रे जर्रे से रोम रोम से जिनकी भारत माता की जय की जय जयकार निकलती हो, पूरे देश का भला करना चाहते हो और पूरे देश को दुनिया का नंबर एक देश बनाना चाहते हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। आप बताइए कौन सा क्षेत्र छूट रहा है हमारे नेता नरेंद्र मोदी के लिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का अपना नेतृत्व है, लगातार दो बार सरकार बनाने के बाद अब तीसरी बार उनके कदम बढ़ रहे हैं और ठोस कदम बढ़ रहे हैं। कदम बढ़ते हुए वो नहीं कह रहे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा में कहते हैं, उनके सामने बोलते हैं, हमारा नारा कांग्रेस वाले बोल रहे हैं। अब की बार अब हम नहीं कह रहे, उनके नेता बोल रहे हैं। जब उनको मालूम है तो हमको नहीं मालूम है क्या? हमको तो पहले मालूम, आएगा तो अब की बार थोड़ा संशोधन भी कर लो। इतना बड़ा मन, लेकिन जो बात कहते वो करके दिखाते हैं। हमको मालूम है हमारे यशस्वी नेता ने जो कहा था, कोई देश 142 करोड़ की आबादी का और कितने कठिन काल से निकले, कितने खराब बीमारी थी कोविड की, कोई कल्पना तो करे। जहां हॉस्पिटल की व्यवस्था पहले नहीं थी, लोगों की जिंदगी में ऐसी बीमारी देखी न सुनी, लेकिन ऐसे कठिन काल में भी बाल बराबर भी किसी को कष्ट नहीं आने दिया, सबका जीवन सुरक्षित किया, ऐसा यशस्वी नेता कहीं मिलेगा क्या? हमको खुशी होगी कि तीसरी बार जब वो सरकार बनाएंगे तो राजेश मिश्रा जी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, हमें इस बात की प्रसन्नता। और आप तो इस क्षेत्र के हो जिधर से नारा आया जय श्री राम का, भगवान का, वनवास का काल भी भगवान ने निर्णय किया, माताजी की आज्ञा, पिताजी की आज्ञा मानते हुए कि मुझे अयोध्या छोड़ना है, तो हमारी तो वो धरती है जिनमें भगवान राम का भी 11.5 साल पता ही नहीं चला कहां गया, हमारे बीच में रहे। बोलो जय श्री राम। और ऐसे पवित्र राम जिनके जीवन में उनके द्वारा किए गए एक एक काम और एक एक रिश्ते को निभाने का दुनिया में कोई उनके बराबर उदाहरण नहीं, ऐसे भगवान श्री राम के ऊपर ये प्रश्न उठाने वाले कांग्रेस के लोग जो कहते थे कि भगवान राम कहां पैदा हुए, जन्म स्थान में प्रश्न उठाते थे, कितनी प्रकार की बातें करते थे। चलो भाई कोई बात नहीं, आपका पेट भरा जाए, लेकिन देश को अपमानित करने का प्रयास किया, देश के बहुसंख्यक लोगों को नीचा दिखाने का काम किसी ने किया है, ये कांग्रेस के पदाधिकारी, वो बोलने वाला कोई दूसरी नहीं, कांग्रेस के महामंत्री, बड़े बड़े वकील, सारे के सारे लोग, किताबों के गट्ठर झूठ के पुलिंदे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लगाते रहिए, कहां पैदा हुए, क्यों बनना चाहिए मंदिर, नहीं बनना चाहिए, पता नहीं कितनी बातें करी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे दिए गए तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने फैसला कर दिया। जब माननीय न्यायालय फैसला कर दे तब तो मान लो भाई, लेकिन ये मानने वाले नहीं। फैसला करने के बाद भी इतने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब शिलान्यास हुआ तब भी प्रश्न उठा। मैं तो इस बात के लिए हमारे मुस्लिम समाज और हिंदू समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा, इनने राम जी का नाम लेकर के हर बार दंगे कराने का प्रयास किया और कितना डराया। राम जी के आधार पर अगर फैसला हो गया तो देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। जोरदार तालियां बजा, ना शिलान्यास के समय तकलीफ है, ना हमारे लोकार्पण के समय तकलीफ है, जोरदार जय जयकारा करो, जय जय श्री राम। हमारी सरकार भी भगवान राम के मंदिर को लेके आपके हमारे सारे मंत्रियों के साथ अयोध्या दर्शन करने गई, क्यों नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। हम अगर अपने राम जी के प्रति क्षमता भाव कनेक्ट नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आगे